तो फिलहाल गाइस आज का हमारा प्लान है गोरखपुर जाने का। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था एंडिंग में। ये देखो भाई साहब, फाइनली अब्बू भी आ गए ऑफिस से। अभी देखो हम लोग रोड पे आ गए भाई बाहर। जीशान का अमरूद फेवरेट है ना, कि फाइनली हम न्यू डर्ट बाइक परचेज कर रहे हैं मतलब, और फिर अपने डर्ट बाइक की डिलीवरी। भाई साहब आज कल ये कार्टून बहुत ज्यादा देख रहे हैं जीशान। तो कैसे आप सभी लोग, होप करता हूं गाइस आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे गाइस। तो फिलहाल गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और अब देखो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं नहा धो के। भाई साहब आज भी ठंड बहुत ज्यादा है, लिटरली बता रहा हूँ नहाने में फट गई भाई। बहुत डर लग रहा था लेकिन कैसे कैसे करके हम लोग नहा के आ रहे हैं। तो फिलहाल गाइस आज का हमारा प्लान है गोरखपुर जाने का। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था एंडिंग में। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं गोरखपुर। एक्चुअली उसके पीछे भी रीजन है, जा रहे हैं हम लोग अब्बू का दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास, तो वही लेने जाना है और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं गोरखपुर में। तो फिलहाल अभी तो हम निकल रहे हैं यहाँ से, घर से। देखो भाई जीशान भी रेडी होके बैठा है, तो सिर्फ जीशान जाएगा, मैं जाऊंगा और अब्बू जाएंगे बस ना। तो चलो अब निकलते हैं भाई। ये देखो 12 बजने वाले हैं, मतलब अभी इनसे मिलो भाई, अभी तक सो ही रहे थे। उठ गया समीर, गुड मॉर्निंग, हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर। हाँ हाँ चलो मिलते हैं फिर, बाय। तो चलो गाइस फटाफट से करके निकलते क्योंकि बहुत ज्यादा ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो ट्रैफिक भी मिल जाएगी हमको रास्ते में। देखना जीशान नाली में मत गिर जाना, नहीं तो मुंह काला करवा के जाएगा तू गोरखपुर। ओहो हो भाई साहब देखो गाड़ी कितनी गंदी हो गई है, सबसे पहले साफ करते हैं। भाई साहब गाड़ी में बैठने के बाद इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, पूछो मत भाई। सबसे पहले ब्लोअर ऑन करते हैं भाई, चलें। चलो गाइस मैं और जीशान निकल रहे हैं और अभी अब्बू ऑफिस पे हैं, तो ऑफिस से उनको उठाना पड़ेगा, तो चलो अब चलते हैं। ये देखो भाई साहब फाइनली अब्बू भी आ गए ऑफिस से, चले चलो अब चलते हैं भाई। देखो भाई यहाँ पे आराम से हम लोग चिल कर रहे हैं, बैठे हैं क्योंकि अभी अब्बू गए हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो अभी मेडिसिन वगैरह लेके आते हैं, दवा वगैरह, फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या प्लान है, कुछ होगा तो बताते हैं, नहीं तो फिर सीधा घर ही निकलेंगे भाई। हाँ जीशान अभी हम लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं भाई, मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई है तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए थोड़ा सा। तो देखो गाइस अभी अभी हम लोगों ने लिया है एकदम मस्त वाली चाय, नींबू वाली भाई साहब, तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड है भाई, इसलिए हम लोग गाड़ी में ही बैठे हैं। तो फाइनली गाइस दवा वगैरह मिल गई है और अभी देखो 4 बज चुके हैं शाम के। तो अभी देखो हम लोग रोड पे आ गए भाई बाहर और अभी हम लोग लेने आए हैं अमरूद। तो देखो अमरूद आजकल बहुत ज्यादा बिक रहा है भाई यहाँ पे, बहुत बड़ा बड़ा ये देखो भाई। अरे यार देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, किसान का अमरूद फेवरेट है ना भाई। अभी देखो हमारा कुछ प्लान भी नहीं है क्योंकि जानते हो अभी शाम को बहुत भयंकर वाली ट्रैफिक लग जाएगी भाई गोरखपुर में, इसके लिए हम जल्दी से निकल ले रहे हैं, चलेंगे आगे कहीं रुक के कुछ खाएंगे और फिर सीधे घर। तो ये देखो भाई हम लोगों ने ले लिया है 3 किलो अमरूद, चलो अब गाड़ी में रख देते हैं, अब निकलते हैं। तो भाई साहब हम आ गए हैं दाना पानी रेस्टोरेंट में, तो चलो अब कुछ खाते हैं भाई। तो फिलहाल गाइस ये देखो हमारा ऑर्डर भी आ गया, तो अभी हम लोगों ने दाल मंगाया है और रोटी वगैरह है, तो अभी सब लोग खाते हैं और फिर निकलते हैं हम लोग। हाँ भूख बहुत कड़क लगी है ना, सुबह से कोई कुछ खाया नहीं था भाई। चलो तो फाइनली गाइस खा पी के हो चुका है और अब बज चुके हैं शाम के 5, तो 6:30 बजे आई थिंक हम लोग घर पहुँचने वाले हैं, तो अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए। चलो भाई चलो अब घर पहुँच के आपसे मिलते हैं फिर। तो चलो भाई फाइनली पार्किंग में हम पहुँच गए,
चलो अब सामान लेके चलते हैं घर भाई। तो फाइनली गाइस हम लोग घर पे रिटर्न आ चुके हैं। अभी देखो सभी लोगों ने खाना ना खा लिया, हम तो खा के आए भाई, इसलिए भूख वगैरह कुछ भी नहीं लगी है। भाई देखो देखो अच्छे से आज बिस्तर बिछाया जा रहा है, रोज इधर उधर पड़ा रहता है भाई, ये लोग सोते हैं ना तो पूरा बिस्तर इधर उधर, मैं भी सोता हूँ मतलब डोंट माइंड। देखो आज बिस्तर बिछाया जा रहा है, ज्यादा कौन सोता है बता, पूरा दिन कौन सोता है, आधा आधा नहीं, अच्छा कौन सोता है जीशान ज्यादा, नहीं नहीं सोता तू, नहीं समीर, समीर दिनों रात सोता है, उसका ज्यादा हक है। और गाइज आज का हमारा प्लान था कि हम लोग डर्ट बाइक आज लेके आएंगे, जो मतलब जो बनने के लिए दिए थे वो वाली, तो एक्चुअली हम लोग गोरखपुर चले गए, प्लान भी कैंसिल हो गया, फिर कल आते आते रात भी, हो गई ना, नहीं तो आज लेके आए होते, तो कल लेके आएंगे भाई, कल के ब्लॉग में देखना आप, डर्ट बाइक आ जाएगी कल। तो फाइनली गाइज बिस्तर बिछ चुका है, अब चलो अंदर गरम गरम करते हैं भाई, इसके अंदर गर्मा गर्म। हफ्ते बाद स्कूल गया, उड़े आजकल ये कार्टून बहुत ज्यादा देख रहा है जीशान, मैं नहीं रील पे आता है चलवा, चैनल पता था, चैनल पता था इसका, इंस्टाग्राम फॉलो किया, चलवा चलवा फॉलो, अरे अच्छा अभी तो बताया, इसको कोई चीज बता दो बस वही देखने लगा, कौन बताया है। और गाइस एक चीज और आप लोगों से बतानी है कि जो हमारी न्यू वाली डर्ट बाइक आने वाली है भाई साहब, जो हम लोगों ने बताया था कि फाइनली हम न्यू डर्ट बाइक परचेज कर रहे हैं मतलब, तो यस गाइस उसका भी बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, जो कि कल वाले ब्लॉग में अच्छे से बताएंगे, क्योंकि ये ब्लॉग तो अभी एंड करने जा रहे हैं भाई, इसमें बताना कोई फायदे वाली बात नहीं है, और नेक्स्ट डे उसके बाद अच्छे से बताएंगे सब कुछ क्या है, क्योंकि हमें वीडियोस वगैरह भी आपको कुछ दिखाना है ना, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे, तो नेक्स्ट वाला ब्लॉग देखना भाई, सब कुछ उसमें पता चलेगा। और बस जल्द ही हम जाने वाले हैं लखनऊ, और फिर अपने डर्ट बाइक की डिलीवरी भाई साहब, तो बहुत जल्दी बस। तो यस गाइस यही अपडेट था, और फिलहाल भी इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अगर प्यारा लगा हो ये ब्लॉग तो एक लाइक करना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और अच्छा सा एक कमेंट छोड़ देना भाई, वैसे मेरा कमेंट कभी कभी ऑफ हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब कर देता है भाई, पता नहीं क्यों, क्या दुश्मनी है मुझसे, बट कोई नहीं, आप लोग लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और दबा के सब्सक्राइब करो भाई, जो कोई भी नहीं कर रखा है, क्योंकि ऐसे तो हमारे 1 मिलियन पता नहीं कब होने वाले हैं, जल्दी करो भाई। चलो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। भाई साहब ये देखो कितनी भयंकर ओवरलोडिंग करके रखा है इसने, मतलब ट्रक कभी भी पलट सकती है इसको, तो पुलिस वुलिस देखने वाले कुछ है ही नहीं जैसे वही तो देख रहे हो, अरे इसको निकालो, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, ऐसे एक्सीडेंट भी होता है, भाग चलो घर से, बगल से चलो भाई डेंजरस।